हेलो बच्चों, नमस्ते। मेरा नाम रजनीश और ऑब्जेक्टिव की सीरीज में, दूसरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की बात करेंगे। 1 से 15 तक आपके ऑब्जेक्टिव्स कराए जा चुके हैं पिछली कक्षा में, जो आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। जो भी बच्चे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में पड़े ऑब्जेक्टिव को देखिए। और पहले आप थ्योरी को पढ़ के आइए, और जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े हैं, आप प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है वीडियो, पूरी थ्योरी पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में आपकी धार बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तभी क्लियर होते हैं जब आप थ्योरी में थोड़ा मोड़ा पढ़े रहेंगे। तो आइए अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ, देखिए, ये प्लम्बर की थ्योरी कोर्स पेड कोर्स है, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है। वो इसलिए कि ताकि मैनेजमेंट पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना आ पाए। कुछ PPT बनाने होते हैं और भी कुछ ऑफिस के खर्चे होते हैं, तो इसका फी रखा गया है मात्र 400 रुपये। ये कुछ नहीं होते हैं। अगर आप 10 रुपये का समोसा भी खाते हैं, तो महीने के हो जाते हैं आपके 300 रुपये। बिल्कुल उसी के बराबर आपके फ़ी है। तो ये आपके ऊपर है, या तो आप 2 समोसा रोज खाइए, या एक बार चैनल को, एक बार बढ़िया से प्लम्बर को पढ़िए और अपने करियर में आगे बढ़िए। प्लम्बर से रिलेटेड टेक्नीशियन और अलग अलग भर्तियाँ इसरो में, DRDO में, रेलवे में आती रहती हैं। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो जीवन भर फिर समोसा आप गरीबों को, दूसरों को खिला भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। इस सीरीज में आपको वीडियो क्लासेज मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव के PDF मिलेंगे और 5 टेस्ट कराए जाएंगे। 5 टेस्ट तो खैर कराए ही जाएंगे, और हम तो ऑब्जेक्टिव कराते ही हैं, और जैसे जैसे एग्जाम आएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम कराते रहेंगे। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगा। द आइटम यूज टू कनेक्ट प्लास्टिक मेटल टू अदर मेटल पाइप्स इज कॉल्ड, द आइटम यूज टू कनेक्ट प्लास्टिक मेटल, हाँ, प्लास्टिक मेटल को कनेक्ट करना है अदर मेटल से। प्लास्टिक धातु अन्य धातुओं के पाइप से जोड़ने के लिए उपयोग आने वाली वस्तु कहलाती है। आइए इन चारों ऑप्शन के बारे में जानते हैं। एडेप्टर क्या है, कम्यूटेटर क्या है, रेडिएटर क्या है, फिक्सर क्या है। तो फिक्सर वो चीज होता है, जैसे जैसे वाइज हो गया, बेंच वाइज उसको फिक्स करने के काम में आता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पे हमको, कोई जॉब पे हम काम कर रहे हैं, तो जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए फिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। फिक्सर से फिक्स कर दिए, फिर इस पे अपना काम कर रहे हैं, तो फिक्सर जान गए। रेडिएटर कहाँ इस्तेमाल होता है, कार में, इंजन को ठंडा करने लिए, कार इंजन में, बाइक इंजन में, अलग अलग इंजन में काम होता है। कम्यूटेटर कहाँ यूज होता है, ये मोटर में इस्तेमाल होता है ना, मोटर में इस्तेमाल होता है। एडेप्टर, हाँ, एडेप्टर ही वो ऐसी सीरीज है जो प्लास्टिक धातु अन्य धातु के पाइप से जोड़ने के लिए। जैसे देखिए, प्लम्बिंग में कई जगह क्या होता है कि जैसे जीआई पाइप की प्लम्बिंग हो रही है अब, लेकिन ये प्लम्बिंग, अब यहाँ से हमको नल चाहिए, तो नल तो प्लास्टिक की लगेगी। जीआई पाइप का नल भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट में तो हर तरह के नल अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक अलग मटेरियल इस्तेमाल होगा, जिसके अंदर में मेटल रहता है और ऊपर से प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, वो कास्टेड उसी तरह से रहता है। अब इसमें आराम से आप प्लास्टिक वाला जोड़ सकते हैं, तो इसको एडेप्टर बोलते हैं, एडेप्टर। तो प्लास्टिक धातु अन्य धातु के पाइप से जोड़ने के लिए एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, एडेप्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ RCC पाइप, प्रिंटिंग मिस्टेक है, RCC पाइप, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइप, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप। जानकारी के लिए बता दें, रेनफोर्स का मतलब होता है कि उसमें लोहे का, यानी कि सरिया के छल्ले लगे हुए हैं। सीमेंट तो जान ही रहे, और कंक्रीट तब बनता है जब उसमें बालू के साथ गिट्टी, एग्रीगेट भी मिला दिया जाता है, तो उसे वो कहते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइप, RCC पाइप। RCC पाइप का ही दूसरा नाम ह्यूम पाइप होता है। RCC का पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ह्यूम पाइप बोलते हैं। ये आपको आसपास आपके देखने को मिल गए होंगे। जैसे आप हाईवे से कभी क्रॉस कर रहे होंगे, तो हाईवे के किनारे ढेर सारा गोल गोल पाइप बनाते रहता है, उसमें घूमते रहता है,
आरसीसी पाइप का ही दूसरा नाम ह्यूम पाइप है। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस एक मिनरल होता है, जैसे जैसे सीमेंट लाइम, लाइम 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 से बनता है। तो लाइम कहाँ से आता है? लाइम भी मिनरल है, लाइम लाइम स्टोन के पहाड़ होते हैं, वहां से लाइम आता है। उसी तरह से एस्बेस्टस के भी पहाड़ होते हैं, एस्बेस्टस एक मिनरल होता है नेचुरली अकरिंग। जीआई पाइप क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। जीआई का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये आयरन का ही प्रकार है। तो जीआई पाइप ये सभी होगा नहीं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ह्यूम पाइप। आगे देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ आरसीसी पाइप कॉस्ट्स। आरसीसी पाइप के रख रखाव में खर्च होता है, कितना खर्च होता है? बहुत अच्छा सवाल, लेकिन ऑप्शन बहुत गड़बड़ है। कम, ज्यादा, कुछ नहीं। चलिए, क्या कुछ खर्च नहीं आता आरसीसी पाइप का इस्तेमाल में, रख रखाव में, मेंटेनेंस में कोई खर्च नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका आरसीसी पाइप बड़े बड़े हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत भारी होते हैं, उनको इधर से उधर ले जाना होता है, तो वहां कम से कम, हाँ, इस बात की तो चिंता नहीं रहेगी कि कोई चोरी कर लेगा, क्योंकि इतना भारी रहेगा कि कोई चोरी कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन गार्ड तो रखना पड़ेगा, एक गार्ड रखना पड़ेगा, चारों तरफ से बाउंड्री मारनी पड़ेगी, वो भी खर्च है, गार्ड का खर्च है। और कोई खरीदने वाला आया तो दो लेबर चाहिए पाइप को एक जगह से गाड़ी पे लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए, तो कुछ तो खर्च है। लेकिन बहुत ज्यादा खर्च है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा खर्च सीमेंट को रखने में होता है। सीमेंट को अंदर वेयर हाउस या पैक्ड घर में रखते हैं कि बारिश या हवा से भी सीमेंट सेट हो जाता है, तो उसमें सीमेंट के रख रखाव में ज्यादा खर्च होता है। तो कम खर्च होता है इसका सही जवाब, ज्यादा खर्च नहीं होता है, कुछ खर्च भी नहीं होता है, कम खर्च, इसलिए ठीक है, लेस कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू ज्वाइन कास्ट आयरन पाइप। बहुत अच्छा सवाल, कास्ट आयरन पाइप में हमने जाना कि कास्ट आयरन पाइप में किस तरह का ज्वाइंट बनाते हैं बच्चों? स्पिगोट ज्वाइंट, ये इस तरह का स्पिगोट ज्वाइंट होता है कास्ट आयरन में। और इस स्पिगोट ज्वाइंट में यहां पर क्या भर देते हैं? यहां पर लेड भर देते हैं। यहां पर हम लोग लेड भर देते हैं इस तरह से। पिग लेड इसका असली नाम होता है, क्या नाम है? पिग लेड, शीशा, पिघला शीशा भर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, वही सवाल पूछ रहा था, हाँ ठीक है, जानकारी भी मिल गई। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू ज्वाइन कास्ट आयरन पाइप। तो ये है सीआई पाइप, कास्ट आयरन पाइप, इसको जोड़ने के लिए सॉकेट में घुसा दिए, ये सॉकेट हो गया, स्पिगोट हो गया, स्पिगोट में घुसा के और यहाँ पिगलेट भर देते हैं, ये जम जाता है, ठीक है। मोल्टेन रबर नहीं डाल सकते, मोल्टेन रबर डालेंगे ज्यादा टिकाऊ नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत भारी रहेगा और जरा सा भी इधर उधर जैसे पड़ा हुआ है और ऊपर से लोड गया या कुछ कहीं से लोड आया या बंदर चढ़ गया इधर उधर हिला दिया, तो रबर नहीं झेल पाएगा। ब्रास, पित्तल, लोहे में पित्तल क्यों लगाएंगे इतना महंगा, ये तो खुद ही लोहा है, समय के साथ जंग लगेगा, तो कम से कम इसी से मिलता जुलता आइटम लगाएंगे ना, तो पित्तल नहीं लगाएंगे, जिंक भी नहीं लगाएंगे, महंगा होता है, तो पिगलेट। ये शीशा उतना महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, ये बालू ही होता है, ठीक है, पिगलेट। आपके सामने अगला सवाल है, एस्बेस्टस पाइप इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच मेटल। बहुत अच्छा सवाल, एस्बेस्टस पाइप, अभी पिछले क्लास में हमने जाना ना पाइप के टाइप्स में, या थ्योरी में भी आपने जाना होगा पाइप के मटेरियल के आधार पे टाइप, जीआई पाइप, रॉट आयरन पाइप, एस्बेस्टस पाइप, प्लास्टिक पाइप, बहुत सारे पाइप होते हैं। तो एस्बेस्टस एक फाइबरस मटेरियल होता है, फाइबर मटेरियल प्लस सीमेंट। ये फाइबर मटेरियल क्या है? यही है एस्बेस्टस प्लस सीमेंट, तो ये बन जाता है एस्बेस्टस पाइप, ठीक है। इज अ मिक्सचर ऑफ व्हिच मेटल, हाँ तो सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, ये तो सही है, और सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के साथ सीमेंट रिएक्शन करके सिलिकेट बनाता है, और वही सिलिकेट बहुत जाके जमने के बाद, सेट होने के बाद हार्ड बन जाता है, तो सिलिकॉन यही होगा इसका सही जवाब। एस्बेस्टस पाइप इज ए मिक्सचर ऑफ विच मेटल, पोर्टलैंड सीमेंट या सिलिकॉन। एस्बेस्टस पाइप किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट और सिलिकॉन का।
सिलिकॉन मैंगनीज दिया है, नहीं है गलत, मैंगनीज गलत, पोर्टलैंड सीमेंट तो सही है लेकिन मैंगनीज गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए ठीक है, ये सही जवाब है। एस्बेस्टस पाइप कितने व्यास में मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल। एस्बेस्टस पाइप का अवेलेबल साइज जो होता है आपका 150 mm से 700 mm में पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर गलत, 5 सेंटीमीटर से 100 गलत, सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, नहीं अभी गलत। तो यही होना चाहिए, शायद इसमें कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए। 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो 15 कर देंगे, एमएम में 150 mm, यहाँ भी आप सुधार लेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे 15 सेंटीमीटर ऑप्शन में कर लेंगे। ठीक है, यही आपका सही जवाब होगा। पाइप्स डू नॉट रस्ट, किस पाइप में जंग नहीं लगता है? बहुत अच्छा सवाल। अभी हमने ह्यूम पाइप देखा, ह्यूम पाइप, ह्यूम पाइप कैसे बनता है? आरसीसी पाइप, सॉरी एस्बेस्टस नहीं, आरसीसी पाइप को ही ह्यूम पाइप कहते हैं। आरसीसी पाइप, तो क्या आरसीसी में जंग लग सकता है क्या? नहीं, सीमेंट की परत होती है, सीमेंट में कौन सा जंग लगेगा? अंदर छड़ रहता है, छड़ में जंग लगता है, साल बाद लगता है, 30-40 साल बाद, तो उसको हम लोग न के बराबर मानते हैं। कैनवास पाइप क्या होता है? कैनवास पाइप, कैनवास एक कपड़े का मटेरियल होता है, कैनवास, कैनवास एक कपड़े टाइप का होता है, जैसे पेंटिंग करते हैं ना कैनवास पेंटिंग, तो उसी तरह का मोटा रुखड़ा कपड़ा होता है, और कैनवास पाइप बनाए जाते हैं कैनवास प्लस सीमेंट, कैनवास प्लस रबर की लाइनिंग कर दी जाती है, कैनवास प्लस रबर लाइनिंग, रबर लाइनिंग, तो उसमें कैनवास पाइप, इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे? फायर फाइटर में, फायर फाइटर वाला जो पाइप लगता है, जो मुड़ के रखा रहता है, जो आसानी से हल्का रहे, आसानी से मुड़ जाए और बहुत मजबूत भी रहे, बहुत प्रेशर झेले, तो ऐसे जगहों पे कैनवास पाइप का इस्तेमाल होता है। तो और एस्बेस्टस नहीं, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ये पूरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ऐसे होगा, एस एस्बेस्टस। तो सवाल पूछ रहा है पाइप डू नॉट रस्ट, तो ह्यूम पाइप, ह्यूम पाइप में जंग नहीं लगेगा, सही बात है। कैनवास पाइप, कैनवास कपड़ा है और रबर की लाइनिंग है, इसमें भी जंग नहीं लगेगा, ये भी सही है। एस्बेस्टस एक मिनरल है और सीमेंट के साथ मिला के पाइप को बनाया जाएगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला सवाल है, द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज, कास्ट आयरन ये पाइपों का लाभ क्या है? अच्छा, कम जंग लगना, हाँ ये सही बात है, कास्ट आयरन पाइप में जंग ज्यादा नहीं लगता है। कम उपलब्धता, नहीं नहीं ये सब गलत बात है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। महंगा है, महंगा तो है भाई, लेकिन ये महंगा, ये हानि है, महंगा होना कास्ट आयरन पाइपों का हानि है, तो लाभ पूछ रहा है, तो यही होगा, ये भी नहीं होगा, आसानी से क्रैक हो जाना, आसानी से क्रैक नहीं होता है। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप इज लेस ट्रस्टिंग, लो अवेलेबिलिटी, नो इट इज इजिली अवेलेबल, रेडियली अवेलेबल, इट इज कॉस्टली, यस इट इज कॉस्टली, बट द एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप, द क्वेश्चन इज आस्किंग एडवांटेज नॉट डिसएडवांटेज, एंड बीइंग कॉस्टली इज डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन, सो दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, जनरली द साइज ऑफ स्टैंडर्ड पाइप इज इंडिकेटेड बाई शेप ऑफ, सामान्यतः मानक पाइप के आकार को खाली स्थान के द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल, संख्यात्मक बोर, पाइप अनुसूची, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं बोर डाया क्या होता है, बोर डायमीटर, हमने पिछले क्लास में जाना कि पाइप को इंटरनल डायमेंशन से, इंटरनल डाया से
पाइप को इंटरनल डाया से और ट्यूब को आउटर डाया से, आउटर डाया से मेजरमेंट करते हैं या प्रिसाइज लेते हैं, ध्यान रखते हैं। अगर पाइप ले रहे हैं तो इंटरनल डाया को ध्यान में रखेंगे और ट्यूब लेंगे तो आउटर डाया को ध्यान में रखेंगे। तो पूछ रहा है मानक पाइप के आकार के, तो बोर डाया क्या होता है भाई? तो देखिए बोर डाया कुछ नहीं, डायमेंशन ही होता है, लेकिन जब हम बहुत प्रिसाइजली किसी चीज को नापते हैं डायमेंशन को, डाया को, तो वहां पे बोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंजन में पिस्टन लगता है तो वहां पे भी एक सिलिंड्रिकल डाया होता है पिस्टन के आगे पीछे जाने के लिए, तो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो उस वहां पे बोर डाया टर्म इस्तेमाल होता है। तो बोर डाया टर्म वहां इस्तेमाल होता है जहां पे हमको बहुत प्रिसाइज डायामीटर, प्रिसाइज में काम करते हैं, प्रिसाइज डायमेंशन, प्रिसाइज डायमेंशन यूज में लेते हैं, वहां पे हम बोर डाया का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ सही बात है, मानक पाइप की बात कर रहे हैं ना, मानक पाइप जो है उसमें जरा सा भी एमएम में या एक रत्ती भर भी, एक सूत का भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मानक पाइप के आकार को संख्यात्मक उसका कुछ नंबर होगा 1 2 3 4 संख्यात्मक बोर डाया से दर्शाएंगे। पाइप अनुसूची क्या है, आइए पाइप अनुसूची को जानते हैं। पाइप शेड्यूल, SCHEDULE, व्हाट इज पाइप शेड्यूल? पाइप शेड्यूल एक इंडेक्स होता है, उसमें पाइप की सारी जानकारियां होती है पाइप के डाया के अनुसार, जैसे 1 इंच पाइप, 2 इंच पाइप, 1.5 इंच पाइप। अब इसका सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, इसका इंटरनल डायमेंशन क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, इसका आउटर डायमेंशन क्या होगा, और इस तरह से पाइप इंडेक्स में, पाइप के शेड्यूल में इसका सारा डिटेल रहता है। तो यहाँ से भी हम पाइप के स्टैंडर्ड पाइप के आकार को जान सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, संख्यात्मक बोर व्यास और पाइप साइज सी, ए और बी दोनों, हाँ तो ए और बी ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल डाया, पाइप शेड्यूल, बोथ ए एंड बी। विच सपोर्टिंग मटेरियल इज इंडिकेटेड इन दिस स्टेटमेंट, विच सपोर्टिंग मटेरियल इज इंडिकेटेड इन दिस स्टेटमेंट टू रीच द डेस्टिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट एंड कनेक्ट पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, सम सपोर्टिंग मटेरियल इज यूज्ड। बहुत अच्छा, आवश्यकता अनुसार गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तथा विभिन्न व्यासों के पाइपों को जोड़ने के लिए कुछ सहायक सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग की जाती है। कथन की सहायक सामग्री की ओर संकेत किया गया, बहुत अच्छे, कुछ सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है किस काम के लिए, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए विभिन्न पाइप के, विभिन्न व्यासों के पाइपों को जोड़ने के लिए। तो कहीं मोटा व्यास है इतना वाला, कहीं पतला वाला पाइप है इतना वाला, फिर इसको टैप से जोड़ना है, नल से जोड़ना है। तो यही सवाल कह रहा है कि इन सबको जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो थ्रेडिंग रिंज से चूड़ी काटते हैं, गलत जवाब। पाइप वाइज से पाइप को पकड़ते हैं, गलत जवाब। पाइप में तो कुछ है ही नहीं। पाइप फिटिंग्स, फिटिंग्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें से हम अलग अलग काम करते हैं, तो पाइप फिटिंग्स इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पाइप फिटिंग्स इज यूज्ड टू रीच द डेस्टिनेशन एज पर रिक्वायरमेंट एंड कनेक्ट पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। ओके पढ़ते रहिए अच्छे से, आराम से ऑब्जेक्टिव बनाइए। ऑब्जेक्टिव से आपका क्या होता है कि जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है वो सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ समय बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना लेने के बाद वो सेटल कर जाते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो कॉन्सेप्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग डिजायर्ड यूज ऑफ पाइप्स अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों के इच्छा अनुरूप उपयोग में क्या सहायक होता है। बहुत अच्छा सवाल, स्टैंडर्ड आकार में उपलब्ध पाइपों के इच्छा अनुरूप उपयोग में क्या सहायक होता है। तो जैसे ये वहां की बात कर रहा है, जैसे अब घरों में पाइपिंग तो हो गई, देखिए पाइपिंग कई जगह होता है, टंकी में पानी जा रहा है, टंकी से पानी आ रहा है, हमारे बाथरूम से होके पानी निकल रहा है और बाथरूम से निकल के सीवेज में जा रहा है। तो हर जगह पाइप अलग अलग तरह का लगता है, अलग अलग डायमेंशन का लगता है,
ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध पाइपों के इच्छा अनुरूप उपयोग में क्या सहायक होता है, व्हाट हेल्प्स इन मेकिंग डिजायर्ड यूज ऑफ पाइप्स अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज। तो जैसे इस सवाल तो ऐसे ही छट जाएगा, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है, आपको पहुंचाना क्या चाह रहा है ये बता रहा हूँ। पहले आंसर बता दे रहा हूँ, ए और बी, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ए और बी, पाइप औजार नहीं होगा, एसएस सीरीज, हाँ इसका सही जवाब एसएस सीरीज है। तो स्टैंडर्ड आकार, जैसे अब टैप लगाना है, नल लगाना है, टोंटी लगाना है, तो टोंटी तो हमेशा एक ही साइज में आएगा उसको लगाने के लिए, चाहे आप प्रयाग कंपनी का ले लीजिए या सेरा कंपनी का ले लीजिए या कोई लोकल कंपनी का ले लीजिए, सबको टोंटी जहाँ कसना है वो डाया हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो यह टोंटी क्या हो गया, एक एसेसरीज हो गया। अब वहाँ कहीं कहीं शावर लगाते हैं, झरना लगाते हैं, शावर लगाना हो, कहीं बेसिन लगाना हो, कहीं गर्म पानी के लिए आउटलेट देना हो, ठंडा पानी के लिए इनलेट देना हो, तो ये सारे पॉइंट्स को एसेसरीज बोलते हैं। तो एसेसरीज को जोड़ने के लिए स्टैंडर्ड आकारों में उपलब्ध को स्टैंडर्ड उपलब्ध पाइपों को जोड़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो एसेसरीज होती हैं, उन सब चीज़ों को एसेसरीज कहते हैं, ठीक है। पैंड को पाइपलाइन में जोड़ने के लिए दोनों सिरों पर निम्न में से क्या लगाया जाता है, बहुत अच्छा सवाल, इसमें आपको कुछ जानने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट बोथ एंड्स टू जॉइन द बैंड्स, टू जॉइन द बैंड इन द पाइपलाइन, वेरी गुड। देखिए बैंड और क्या क्या है, क्रॉस है, टी है, एल्बो है और सॉकेट है, आइए इन चारों के बारे में जानते हैं। क्रॉस क्या है, ये क्रॉस हो गया, ये टी हो गया, ये एल्बो हो गया और ये साकेट हो गया। और ये सवाल पूछ रहा है बैंड के बारे में, तो हम बैंड यहां बनाएंगे, बैंड ये क्या बच्चों, ये है बैंड, ये है क्रॉस, ये है टी, ये है क्रॉस, ये है टी, ये है एल्बो, ये है सॉकेट। अब इन सबों में इंटरनल थ्रेड होता है, ध्यान रखिएगा इन सब में चूड़ियां अंदर कटी रहती हैं, थ्रेड इंटरनल होता है। अंदर है चूड़ियां, इन सब में चूड़ियां कहां रहेंगे, अंदर कटी रहेंगी, थ्रेड्स इंटरनल, इट्स आर ई ए, थ्रेड्स आर कट, थ्रेड्स आर मेड इंटरनली। लेकिन बैंड में ध्यान रखिए, बैंड में थ्रेड्स चूड़ियां बाहर कटी रहेंगी, चूड़ियां
बाहर, चूड़ियां बाहर कटी रहेंगी, ठीक है। ये मेन, लेकिन सिमिलरिटी क्या है, एल्बो को भी 90 डिग्री पे, एल्बो से भी हम पानी को या पाइपलाइन को 90 डिग्री पे ले जाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों से हम 90 डिग्री पे ले जाते हैं, लेकिन बैंड में चूड़ियां बाहर कटी रहती हैं और एल्बो में चूड़ियां अंदर कटी रहती हैं। बैंड का ये इंटरनल डाया, इंटरनल डाया ज्यादा होता है, इंटरनल डाया ज्यादा होता है किससे, एल्बो से, एल्बो से इंटरनल डाया बैंड में ज्यादा होगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है बैंड और क्रॉस में। और क्या डिफरेंस है, अब देखिए हमारे पाइप में, पाइप में हमारे बाहर चूड़ियां कटी रहती हैं, ठीक है, लेकिन अब पाइप को हमको जोड़ना है तो पाइप, पाइप को लाएंगे, इसमें अंदर चूड़ियां कटी हैं, पाइप को लाएंगे यहाँ घुमा के कस देंगे, पाइप को लाएंगे यहाँ घुमा के कस देंगे, पाइप को लाएंगे ये सॉकेट में घुमा के कस देंगे, पाइप को लाएंगे एल्बो में कस देंगे। क्या पाइप को ला के बैंड में घुसा सकते हैं, जोड़ सकते हैं? नहीं। तो पाइप को यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे सेट करने के लिए पहले पाइप में हमें सॉकेट लगाना पड़ेगा, यहाँ सॉकेट लगाएंगे, यहाँ सॉकेट लगाएंगे, अब सॉकेट में हमारा इंटरनल थ्रेड मिल गया, अब यहाँ आके पाइप को कस देंगे। तो बैंड को पाइपलाइन में जोड़ने के लिए दोनों सिरे पर निम्न में से क्या लगाया जाता है, तो हमारा सही जवाब है सॉकेट, है ना। क्यों भाई, तो समझ गए ना, क्योंकि इसमें बाहर चूड़ियां हैं, यहाँ भी बाहर चूड़ियां हैं, तो इसके बाद हमें सॉकेट लगाना पड़ेगा, सॉकेट जोड़ देंगे, सॉकेट में अंदर चूड़ी कटी हुई है, ये चूड़ी अंदर, ये चूड़ी बाहर, असली में घुस जाएगा, सेट खा जाएगा, इसमें चूड़ी अंदर, इसमें पाइप जाके सेट खा जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब है सॉकेट, सॉकेट, ये सॉकेट इस तरह का है, ठीक है। अब आगे, खालिस्तान का प्रयोग पाइपलाइन को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है, प्लैंक इज यूज टू बेंड द पाइपलाइन एट राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए अभी हमने जाना सॉकेट कितने डिग्री पर ले जाएगा, सॉकेट सीधा ले जाएगा यानी कि 180 डिग्री पर, एल्बो कितने डिग्री पर ले जाएगा 90 डिग्री पर, क्रॉस कितने डिग्री पर ले जाएगा डबल 90 पर ले जाएगा, 2 × 90, इसको 180 नहीं कह सकते, ये एक ऐसे 90 ले जाएगा, एक ऐसे 90 ले जाएगा, है ना, तो क्रॉस ऐसे ले जाएगा, बैंड किस पे ले जाएगा, बैंड भी 90 पे ले जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, खालिस्तान यूज टू बेंड द पाइपलाइन एट राइट एंगल, तो राइट एंगल में तो इसका दोनों जवाब हो जाएगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन दे देता कि बी और डी दोनों, तो हम जवाब दोनों लगाते, लेकिन जब ऐसा ही ऑप्शन है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो ये कह रहा है पाइपलाइन को समकोण पर। अब पाइपलाइन में हम एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे भाई, पाइपलाइन में हम एक्स्ट्रा काम क्यों करेंगे, जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम बैंड को लगाए ही ना, है ना, हम बैंड को लगाए ही ना, हम सीधा एल्बो लगाएंगे और पाइप को जोड़ देंगे और इधर से पाइप को जोड़ देंगे, हमारा पानी 90 डिग्री पे चला जाएगा। क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं है एल्बो लगाने का? अब हम अगर बैंड लगाएंगे तो बैंड के साथ एक सॉकेट लगाएंगे, इधर सॉकेट, उधर सॉकेट, दो सॉकेट, फिर जाके पाइप को जोड़ना पड़ेगा, तो ये मेहनत वाला काम हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा। तो जब इन दोनों में सेलेक्ट करना हो तो हमेशा एल्बो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पाइपलाइन में समकोण पर मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन एल्बो और बैंड दोनों में आ गया तो हम दोनों लगाएंगे, ठीक है। चित्र में प्रदर्शित पाइप फिटिंग सहायक का नाम बताइए, नेम ऑफ द पाइप फिटिंग असिस्टेंट। अच्छा, ये चित्र आपको नहीं दिया गया, चलिए सबके बारे में जान लेते हैं, प्लग क्या होता है, टी का चित्र तो जान गए आप, टी ऐसे होगा, ये टी हो गया। प्लग क्या होता है, जहां जैसे आपका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब पाइपलाइन बिछ गया और टंकी हम चालू कर दिए, और अभी अभी अगर हम टैप लगा देंगे, अभी पेंट बाकी है, प्लास्टर बाकी है, टाइल लगना बाकी है, तो सब हमारा एसेसरी जो भी लगा हुआ है सब गंदा हो जाएगा, तो वहां पे हम अभी कुछ लगाएंगे नहीं, वहां पे टैप देकर, छेद देकर छेद को बंद कर देंगे, तो बंद करने के लिए प्लग करते हैं, प्लग मतलब बंद करने के लिए, छेद बंद करने के लिए, छेद बंद करने के लिए, टेम्पोररी, टेम्पोररी अस्थायी रूप से उसको रोकने के लिए पानी के बहाव को प्लग कर देंगे। प्लग क्या रहेगा, बस यहाँ से टोटी निकलना था, यहाँ पे नल हमको जोड़ना था, अब नल ना जोड़ के एक ऐसे नल की जगह पे एक ऐसे बंद सा टोटी रहता है, इसमें ये खोलने वाला चूड़ी बना रहता है, प्लग कर देंगे। टी ये हो गया, एल्बो भी आपने देखा, एल्बो ऐसे हो गया, साकेट, साकेट माइनस ज्वाइंट हो गया, इसको प्लम्बिंग की भाषा में इसको माइनस बोलते हैं, इसको एल्बो बोलते हैं, तो आपने सबके बारे में जान गया। अब हम एक लास्ट सवाल देखते हैं, बैंड के मोड़ का ब्यास एल्बो की अपेक्षा, बहुत अच्छा सवाल, अभी हमने देखा कि बैंड के मोड़ का ब्यास क्या होता है, बैंड के मोड़ का ब्यास
एल्बो की अपेक्षा ज्यादा होता है, बैंड के मोड़ का व्यास एल्बो से ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो बच्चों हम आगे फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही शॉर्टकट और ज्ञानवर्धक सेशन रहा आप लोगों के लिए, हमारे लिए भी, और इसके आगे भी हम ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को सबको बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव की सीरीज शुरू हो गई है प्लम्बर में और रेलवे में भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, थ्योरी को पढ़िए और जबकि क्लास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।